केएस न्यूज में आपका स्वागत है। श्री हरभज राम कृपा देवी धर्मार्थ चिकित्सालय चारबाग लखनऊ द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट के चेयरमैन व पूर्व भाजपा विधायक विद्यासागर गुप्ता, वाइस चेयरमैन रमेश कुमार अग्रवाल, ट्रस्ट के अवैतनिक सचिव अमित गुप्ता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं विशेष। चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विद्यासागर गुप्ता है। मैं चेयरमैन श्री हरभज राम कृपा देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल अस्पताल का, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सीवी गुप्ता जी ने 12 अक्टूबर 1961 में किया था। 12 अक्टूबर 1961 से आज 2023 तक 62 साल से निरंतर ये हॉस्पिटल जनता की जनसेवा में मेडिकल एड से कर रहा है। सरकार से हम एक भी पैसा डोनेशन या किसी तरीके की कोई अनुदान नहीं लेते हैं। सर नमस्कार, केएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो हरभज ट्रस्ट हॉस्पिटल है जो आपका, तो दो चीज़ें हैं। एक तो कल आप लोग कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दें। और दूसरा, हॉस्पिटल के 62 साल पूरे हुए हैं अक्टूबर में, तो अब क्या क्या और योजनाएं हैं, क्या क्या काम आप लोग करना चाह रहे हैं मरीजों के लिए, वो थोड़ा सा बता दें। अस्पताल तो 62 साल से चल ही रहा है, आपने देखा ही है। 62 बरस से हॉस्पिटल चल रहा है और मुफ्त दवाइयाँ दे रही हैं, और 11 डॉक्टर हैं, सब MS MD हैं। और उसके बाद अब कुछ नए कामों के लिए बताएं। हाँ, जो नए कुछ और इधर काम नए, अब हम हॉस्पिटल के अलावा हमने एक लड़कियों का सिलाई स्कूल खोला है, जिनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं 3 महीने की, कुछ लेते नहीं उनसे। ऐसे ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एक खोला है 3 महीने पहले, वहाँ 50 लड़कों को कंप्यूटर की फ्री सर्विस हो रही है। हर 3 महीने के बाद ये बैच बदल जाता है, नए 50 लड़के आ जाते हैं। इस तरीके से ये सब सेवा हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, विदाउट एनी चार्जेस, बिल्कुल फ्री। इसी तरीके से हम एक प्राइमरी स्कूल भी खोलना चाहते हैं, मीडियम उसका इंग्लिश मीडियम में, और उसमें भी जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंग्लिश मीडियम स्कूल को, उनको हम बहुत ही कम नॉमिनल फीस लेकर के उनको पढ़ाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। मैं श्री हरभज राम कृपा देवी ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ, वाइस चेयरमैन। वो जो हमारे यहाँ अस्पताल में काम हो रहा है, वो इनकी देख रेख में बहुत अच्छा हो रहा है। मरीज बहुत संतुष्ट हैं। तो मैं करीब करीब हर दिन आता हूँ, लगभग 2 घंटे, तो मैंने पाया कि एक भी कंप्लेंट नहीं आती। अगर कोई छोटी मोटी होती भी है तो उसका निराकरण उसी वक्त हो जाता है। इसी वजह से लोग आना, डेंटल सेक्शन में हमारा और बाज़ार में बहुत अंतर है, मतलब 10-20-30 गुना। मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ के 700 रुपये लेते हैं, तो बाज़ार में कम से कम 15,000 रुपये लेते हैं उसके। तो वो उन सब चीज़ों में डेंटल में बहुत लोग आते हैं और बहुत संतुष्ट जाते हैं। और आई वाला तो इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। ये जो हमारा बरसों से कर रहा है, इसमें सबसे एक बढ़िया बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि पहले जितने भी आई ऑपरेशन होते थे वो इस तरह से नहीं होते थे। इसको बोलते हैं आजकल SIC, स्मॉल इंसिशन कट करके या पैकों से, उसमें कोई ब्लड वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन पहले जो ऑपरेशन होता था, आज से समझ लीजिए 30 साल पहले, तो उसमें वो 30 साल पहले उनको 7 दिन रुकना पड़ता था। नीचे जो है ना, बेड्स जो है लगा के 100 बिस्तर लगते थे, खटिया जो फोल्डिंग बेड होते हैं, और नीचे कमरे भी हैं पूरे, उसमें श्रद्धे अटल जी ने स्वयं अपने हाथों से उनको फल और नाश्ता वितरित किया है। तो 7 दिन विद्यासागर जी, उनका परिवार, हमारा परिवार, उनको नाश्ता खाना सब कुछ यही मिलता था, उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता था। और 7 दिन बाद जब वो पूरा ठीक हो जाते थे, तब उनको चश्मा दे के विदा किया जाता, फिर चश्मे के लिए बुलाया जाता था। आज आपकी वजह से हम लोग आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरा तो अभी भी यही कामना करता हूँ कि विद्यासागर जी जब इसको और देखते रहें और कई साल तक वो इसको और अधिक ऊँचाइयों पर पहुँचाएँ। धन्यवाद। हर वर्ष की भांति हम लोग इस साल भी अटल जी का जन्मदिन मनाने के अवसर पर
एक नेत्र चिकित्सा व चश्मा वितरण का कैंप लगा रहे हैं, बृहद कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हर साल करीब 200-300 मरीज आते हैं। इस साल भी इससे ज़्यादा ही 400-500 आने की उम्मीद है। उसमें हम लोग जितने भी मरीज आते हैं उनका नंबर वगैरह लेके और कोशिश करते हैं कि उनको सबको फ्री चश्मा दिया जाए, और जो बहुत नीडी होते हैं उनका फ्री में हम लोग, अगर कोई मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है तो उसका ऑपरेशन भी करते हैं। इसी तहत 23 तारीख को एक कार्यक्रम हम लोग इसका उद्घाटन का कर रहे हैं, जिसमें कि सभी मरीज आएंगे, और उसमें हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी उसका उद्घाटन करेंगे, और साथ में संजय राय जी जो कि हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी आगमन होगा, और उनसे भी कुछ हम लोग को और सबको समझने को मिलेगा। तो ये कार्यक्रम हम लोग 23 तारीख को यानी कि कल करने वाले हैं, और जो भी हम लोग सेवा कर पाएंगे वो कल सेवा करने का व्रत लेंगे। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कृपया कर कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो इस अस्पताल में जाके अपना इलाज ज़रूर करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।